ऐसे जो उसकी चिंगारियां उड़ेगी ना ऐसे इंसान बेकार हो जाएगा। इसकी चिंगारियां और इसकी जिहालत इसका सामने जान लगाई जाएगी कि जू सामने जान लगाएगी। हर एक इंसान उस वक्त कहेगा हदीस में आया अगर किसी इंसान ने दुनिया के अंदर इतने आमाल किए हूँ जो मुमकिन नहीं लेकिन मिसाल मेरे नबी ने फरमाया सबसे नबियों जैसे भी अगर किसी इंसान ने किए होंगे उस दिन के लिए कहेगा कि आज के लिए मैंने तो कोई अमल ही नहीं किया था। इस तरह खौफ आसानी हो गया कि कुरान हदीस की बात कर रहा हूँ जो हमारे सामने वाकई आने वाले हैं ये नहीं कि अब हमारी जमानिए की बात पूरा चुकी है तो हमारे सामने आने वाली है तो अल्लाह आपको मुझे बताए इस कैफियत के अंदर आएगी। अब अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाते हैं कि ला दीन फीहा अहकामा अल्लाह के दुश्मन कुफार कुसा और हुज्जा जहन्नम के अंदर अहकामा के हक रहे। अब हकम के मुताबिक मुफस्सिरीन कई राय है और हजरात ये फरमाते हैं कि हकम कहा जाता है इसको कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मुद्दत मुअय्यन की मुद्दत मुकर्रर की है जिसकी कोई हद ही नहीं। जिस तरह के हम कहते हैं जमाना जमाने की कोई हद ही नहीं है लेकिन आपने कहा साल साल हद आ गई महीना हद आ गई हफ्ता हद आ गई दिन हद आ गई लेकिन जमाना इसकी हद ही नहीं। फरमाया आकाम को यूं लिया जाए कि इसकी मुद्दत की कोई हद ही नहीं है लेकिन बार अल्लाह ने फरमाया कि नहीं वो 80 साल का होगा एक साल का होगा 300 साल का होगा एक दिन 1000 साल का होगा। ऐसे दबार से वो हकम की उन्होंने तब्दील की है और मुस्तक के अंदर इमाम हाकिम रिवायत लाया है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने एक नमाज करा की होगी वो जहन्नम के अंदर कितने हकम रहेगा। तो मौलाना शेख हरी जकरिया रहमतुल्लाह तआला जिन्होंने मुस्तकिल किताब शराफ लिखी है उसके अंदर हजरत ये फरमाते हैं ये हदीस लाकर तशरीफ फरमा हिसाब करके बताया कि एक नमाज के करा करने पर मुस्तदरक की इस हदीस की तफसील करते हुए हजरत शेख हरी खुद से लिखते हैं 2,88,00,000 साल तक एक नमाज की वजह से जानना में चलना पड़ेगा। अब आपके सामने ये तबलीगी निशान का बाजार दोस्तों के पास हो गया बना लिया हमारा आप देख सकते हैं इसमें हदीस मौजूद है और आज ये मुस्तदरक के अंदर मुस्तदरक मेरे पास पड़ी है तो मैं अभी अभी चीज आपके सामने लाकर दिखाऊंगा ये हदीस मौजूद है। अब अर्ज ये है कि अल्लाह आप और मुझे ऐसे बचाए कि बेनमाज ऐसा तो पत्ता हो जाता है इतनी मुद्दत आए दराज तक एक नमाज की वजह से जानना में जाएगा ना उस मिला में जाएगा ना में बचा। अब आपके तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई जिसको अल्लामा अस्सावी रहमतुल्लाह अलैह ने अल कवायद के अंदर जिक्र किया उन्होंने किताब में किया अल कवायद अल्लामा अस्सावी उसके अंदर ये बात लिख रहे हैं कि मेरे नबी ने यह दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा ला तदा फीना शकियन वला महरूमा ऐ परवरदिगार आलम न छोड़ हमारे अंदर किसी शकी बदबख्त को न किसी महरूम को हमारे अंदर निकाल दो हमारे यहां से मेरी उम्मत से निकाल दे अल्लाह उसको जो शकी हो बदबख्त हो और महरूम हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतदरूना तुम जानते हो मनी शकी के महरूम कौन है शकी और महरूम से तुम जानते हो। साहबा ने अर किया रसूल अल्लाह अल्लाह और उसका रसूल में सलाम का इजहार है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारे को सलाम नमाज का छोड़ने वाला ये मेरी उम्मत में शकी और महरूम है जो मेरी दुआ है अल्लाह उसको मेरी उम्मत से बाहर निकाल दे। इस शख्स को पैगंबर खुदा अपनी उम्मत में शमूलियत की इजाजत नहीं देते जो ऐसा बदतरीन खराय जिसको शकी का इजहार किया गया और महरूम आने लानत किया गया क्या के दिन जिसके चेहरे पर लिखे पिछाने पर लिखा हुआ होगा आला आए सुन मैंने दिन आला आए सुन रहमत अल्लाह के अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद है जिसका चेहरा क्या किया जाएगा और हर हाल के साथ
अब और बताए कैसे उसको नबी घर से निकाल रहा है, बता दे कैसे होगा। अब आप दुआ करना, लगातार ना रखो हमारे अंदर। अब आप इस बात पर आए कि हमारी बदाहारी कहां पहुंच रही है, क्या हम नमाज के सिलसिले में किस तरह कह गुजरे, यानी दीन से दूर होते और नमाज से दूर होते होते जिस तरह के हजरत इमाम हजरत की रिवायत है, फरमाया सजा भी जमान नारा उम्मत ही, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा या फिर नून अमिलर हो रहा है या फिर नून अमिलर मसाजिद, लोग मसलों से भागेंगे, मस्जिद के अंदर बैठने की ताकत होगी, सलाम फेरा फौरन जाएंगे बैठने के लिए, और फरमाया मस्जिदों के और उलमा के बाहर बैठना उनके लिए मुश्किल बन जाएगा, उलमा से भी भागेंगे, किस तरह कमाएगा, फिर उस शैतान में नंदिदा जिस तरीके से आवाज सुनकर शैतान भागता है, फरमाया लोग उलमा और मसाजिद से ऐसे भागेंगे Stop it!
अल्लाह खुदा फरमा रहा है।